कैसे सारे के सारे, सभी से आशा करता हूँ कि सभी खुश होंगे। और राधे राजपूत डीजे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपके लिए डीजे लाइन में थोड़ी अच्छी अच्छी जानकारी देता हूँ। और इस वीडियो में वो समस्या सॉल्व करने वाला हूँ जो कि कई दिन से कमेंट आ रहा था, क्योंकि रक्षाबंधन था, वीडियो नहीं डाल पाया, प्लस वीडियो के लिए डेट कर दिया, मतलब कि मैं डाल नहीं पाया। कुल मिला के ये तो सभी से माफी चाहता हूँ और सभी से आशा करके कृपया करके मेरी वीडियो के लिए शुरू से लेकर एंड तक ही देखें, बीच में से स्पीक करके काट के ना जाएं। तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचते हुए, जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया हो राधे राजपूत डीजे यूट्यूब चैनल पे, तो कृपया करके नीचे रेड कलर पे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो लास्ट में जाके पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल के लिए सपोर्ट कर दें और वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते हुए यहीं पे मैं आपके लिए बता दूं, यहीं पे मैं ऑलरेडी सारी वीडियो यहीं पे शूट करता हूं प्लस बनाता हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि वैसे भी मैं ज्यादा बिजी रहता हूं, फिर भी आपके लिए एक वीडियो दोबारा से लेके आया हूं, जो कि अन्यथा मैंने और भी वीडियो डाल रखी है। जिस भाई का कमेंट आया था उसकी समस्या सॉल्व करने के लिए इस वीडियो के लिए दे रहा हूं आपके लिए, जो कि उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आई। उसका कमेंट आया था कि भैया मेरा 15 इंची का स्पीकर, या फिर 2 बजाऊं, 4 बजाऊं, 8 बजाऊं या फिर 10 बजाऊं, वो स्पीकर ज्यादा से जल्दी फूक जाते हैं, एक बार तैयार भी करवा लिए प्लस फूक गए। तो उसका मैंने रिप्लाई दिया था कि भाई आप एक बात बताओ, सिंगल मैग्नेट चला रहे हो डबल मैग्नेट चला रहे हो? तो भैया सिंगल मैग्नेट, उसका दोबारा कमेंट आया था। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते हुए आज आपके लिए क्वालिटी दिखाऊंगा, क्वांटिटी दिखाऊंगा, जो कि कॉइल के लिए नहीं फूकने वाली, प्लस कॉइल के बारे में शुरू से लेकर एंड तक ऐसी जानकारी दूंगा। इस वीडियो के लिए शुरू से लेकर एंड तक ही देखें, अगर जो वीडियो के लिए छोड़ के जाएगा वो बाद में वीडियो में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है सर? तो मेरी शॉप का नाम बता दे रहा हूँ अभी आपके लिए, अतरौली रोड रेलवे स्टेशन यानी कि रायपुर स्टेशन पर मेरी शॉप है, यूपी से हूँ भाई। और जितने बार मेरे लाड ले डीजे वाले, कृपया करके वीडियो के लिए ध्यान से देखें, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि डीजे लाइन में मैं भी कर चुका हूं काम, प्लस कर रहा हूं और करता रहूंगा, और आपके लिए न्यू वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी। तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचते हो, वीडियो के लिए लेके चलते हैं आगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी कॉयल है उस पर राउंड कितने हैं, प्लस आपकी क्वांटिटी कैसी है। सबसे मैं आपके लिए पहले बता दूं कि कॉयल के तार की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तार नोकल लगा दिया प्लस आपके लिए एल्यूमिनियम में, या फिर आप कोई भी सिस्टम लेके कॉयल के लिए बनाते हो, या फिर कोई भी सिस्टम के लिए गलत डलवा रहे हो। तो डबल मैग्नेट में क्या होता है, 3 इंची वॉइस कॉयल फूकने का मतलब होता है कम गेज की कॉयल डलवाना, और हम लगाते हैं सेट हैवी, तो क्या होगा, जैसे कि हमने सेट लगा दिया 5000 वाट, आपकी कॉयल है 400 साढ़े 300 वाट, तो क्या होगा, फूकी जाएगी। कम से कम 550 से लेके 500 वाट की कॉइल पड़नी चाहिए, मतलब कि अगर आठ स्पीकर चलाते हो तो कम से कम 4000 वाट होना चाहिए। उसमें आप हाइस जोड़ के लमसम मान सकते हो, उसके लिए 4500 5000 वाट, तो 4500 मान के चलो 5000 वाट का आपने वो लगा रखा है। आपके लिए बता दूं, कॉइल भी लेके आया हूं जो कि आपके लिए बता दूं, जैसे कि ये मेरे पास 6 कॉइल है, आपके लिए कॉइल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जो कि आपके लिए सोचने और समझ के मैं समझाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। अच्छा, कॉइल का क्या होता है कि सबसे पहले मेरे पास ये 76.2 है, 77 प्लस एम, ठीक है सर? तो इसका गेज इतना कम है, आपके लिए बता दूं, यहां से लेके यहां तक है, जैसे कि मान के चलो आप 1 इंची पूरा नहीं है, तो इस कॉइल के लिए अगर आप डालोगे 5000 वाट से बजाओगे तो आपका कॉइल या फिर स्पीकर फूक जाएगा, ठीक है सर? अब चलते हैं दूसरी कॉइल की तरफ, जैसे कि ये, अब ये देख लो, ये ब्लैक आपके लिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां से आपके लिए बता दूं, ये मेरा इतना कॉइल है, ये देख रहे हो आप, ये अपना इतना कॉइल है, ठीक है? यहां पे अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई है तार इसमें, और तार क्या, जब 5000 वाट आप लगाओगे तो सिंपल सा तरीका है कि आपका जो कॉइल है वो जल के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर, पंच, धमक, आवाज सभी क्वालिटी डालते हैं मिक्सर से, ठीक है सर? तो आपके लिए बता दूं, ये कॉइल कोई ज्यादा खास नहीं है, आपके लिए दिखा दूं कि इसके बाद में एक मेरी आती है 74 नंबर, यहां से देख सकते हो आप 74 नंबर, ठीक है सर?
74 नंबर। अब इसके गेज के बारे में जानकारी कर लें, जैसे कि तार भी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है, ओरिजिनल तार है, और इसकी जो इसका जो इसके जो राउंड है वो अच्छी क्वालिटी के हैं, जो राउंड है अच्छी क्वालिटी के हैं, और जो भी गेज भी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। और इसका इन आउट नहीं, ओनली आउट है कॉइल, आउट एक इन आउट होती है, अंदर भी तार होता है बाहर भी तार होता है। तो समझाने के लिए तो मैं काफी वीडियो डाल चुका हूं, जो कि कुछ बंदे मेरी वीडियो के लिए देखते हैं। ये भी अच्छी क्वालिटी की है, 74 नंबर 500 वाटेज, यहां दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कॉइल है, मतलब कि 500 वाटेज कम से कम। तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचते हो, ये चलेगी तुम्हारा डबल मैग्नेट में, अगर आप सिंगल मैग्नेट में डालते हो तो नहीं चलेगी। तो 500 वाट से 5000 वाट से ऐसे बजा सकते हो, तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचते हुए। और कॉइल में ज्यादा अंतर ना आता है, ज्यादा ज्यादा 100-150 रुपए का अंतर आता है इंपोर्टेंट कॉइल लेने में और सिंपल लेने में। तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचते हुए, राधे राजपूत डीजे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत था रहेगा। और भाई जिस भाई के लिए जो वीडियो देख रहा है, मेरा नया बंदा जो भाई है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे रेड कलर पे सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, और भाई चैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करा दे। तो चलते हैं भाई अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत, गुड लक भाई। क्या मिनट की ना कटी तो, हाँ जी सर, यस आई।